इस एक्सेल सीरीज दोस्तों विल सी दी फॉर्मूलाज इंसर्ट फंक्शन, ठीक है। ये ऑप्शन जैसे कि आपको पता है हमने होम इंसर्ट एंड पेज लेआउट ये ऑप्शन पहले हमने कवर कर रखे हैं। हम शुरू करेंगे फॉर्मूलाज ऑटोसम एंड रिसेंटली यूज फंक्शन, ये सारे ऑप्शन हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं दोस्तों। सो बने रहिए मेरे साथ डिस्कवर टैलेंट प्रेजेंट्स में। ये कुछ डमी सा डेटा है मेरे पास, समीक मिसाल ये कुछ डेटा ऐड कर रखा है। अब मुझे इसका वैल्यू यू नो रिजल्ट आई वांट टू शो इन दिस पर्टिकुलर सेल, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं, सम में क्लिक करूँगा, सो ऑटोमेटिकली डेटा रेंज पूरा सिलेक्ट कर लेगा। बट मुझे चाहिए वैल्यू ई तलक, ठीक है। तो ये टोटल रेंज अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ई तलक की रेंज सिलेक्ट करेगा एंड देन एंटर पे जैसे मैं क्लिक करूंगा ये कुछ वैल्यू मुझे यहाँ पे शो करेगा सम, ठीक है। सो सम मीन्स द टोटल ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यूज, करेक्ट। अब मुझे एवरेज निकालना है तो अगेन एवरेज के लिए मैं सेम करूंगा। यहाँ पे मुझे एफ का भी वैल्यू ले रहा है, आई डोंट माइंड इट, ठीक है, मैं ले रहा हूँ यहाँ पे भी। एंड देन यहाँ पे आके मैं कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो डुप्लीकेट टू वैल्यूज तो ये ऑटोमेटिकली नीचे ड्रैग हो जाएगा, ठीक है। अगेन द काउंट ऑफ नंबर्स, काउंट ऑफ नंबर्स पे मैं क्लिक करूँ यहाँ पे, ओके पे प्रेस करूँ एंड देन कंट्रोल डी प्रेस करूँ तो मुझे काउंट ऑफ नंबर्स देगा दोस्तों। सो काउंट ऑफ नंबर्स मीन्स व्हाट, कितने पैरामीटर्स इसके अंदर ऐड है, ठीक है दोस्तों। तो ये पैरामीटर्स अगर आप देखोगे स्कोर 1, 2, 3, टोटल 3 है मेरे पास, सो विच इज कॉल्ड काउंट नंबर्स। सो ये काउंट नंबर्स है मेरे पास, सो यहाँ पे मुझे कुछ डेटा यहाँ पे शो करा इसने दोस्तों। आप इस तरह से भी कर सकते हो या फिर अगर आप यहाँ पे चाहिए तो आप इंसर्ट फंक्शन में क्लिक करके भी कर सकते हो। आई विल शो यू दी अनदर स्टेप। यहाँ पे मैं सम पे क्लिक करता हूँ, इज इक्वल टू प्रेस करने के बाद ब्रैकेट कर लिया, ब्रैकेट ओपन एंड देन यहाँ पे क्लिक सिलेक्शन देन डन, ठीक है। वहाँ से भी कर सकते हो या फिर ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लिक करके भी आप कर सकते हो, वैल्यू वुड बी द सेम। एंड द सेम थिंग अगर आप देखोगे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, हर टाइम आपको यहाँ पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करने के बाद बॉटम में अगर आप देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको वैल्यू शो करेगा, ठीक है। सम मिनिमम मैक्सिमम एवरेज जो वैल्यू हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर दी थ्री वेज, राइट। सो मैं नेक्स्ट प्रोसेसर पे जा रहा हूँ यहाँ पे। अभी मैक्स वैल्यू यहाँ पे मुझे मैक्स शो करना है, मैक्स वैल्यू कौन सी है तो ये मुझे मैक्स वैल्यू शो करेगा। एंड देन अगेन यहाँ पे मुझे मिनिमम वैल्यू शो करानी है यहाँ पे, तो आई क्लिक हियर वंस अगेन मिनिमम वैल्यू, जस्ट शो मी द मिनिमम वैल्यू, सो इट ऑटोमेटिकली फेच मी द मिनिमम वैल्यू, जो कोई मिनिमम वैल्यू हो इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर तो मुझे वो शो करे। सो दिस इज द बेसिक यूज ऑफ दिस ऑटोसम जो फॉर्मूलाज के अंदर है। एंड देन रिसेंटली यूज्ड दोस्तों कैसा होता है, जैसे कि आप कुछ फंक्शन अगर यूज कर रहे हो, ठीक है। अभी सपोज मैं यूज कर रहा हूँ इफ फंक्शन एंड देन आई एम कैंसलिंग दिस पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। तो ये इफ ऑटोमेटिकली टॉप में चला जाएगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड रिसेंटली यूज फंक्शन। यहाँ पे जितने भी मैंने फंक्शन अभी तक यूज कर रहे हैं वो मैं यहाँ पे मुझे ऑटोमेटिकली शो करेगी, ठीक है। तो आते हैं हम वहाँ पे शो करने के लिए। अब मैं शुरू करता हूँ यहाँ से काउंट, एज यू नो काउंट में मुझे खाली काउंट ही शो करेगा कितने काउंट्स है एडेड पैरामीटर्स। एंड देन मैं यहाँ पे साइन कॉस टैन थीटा जो वैल्यू होती है, राइट, जैसे कि आपने स्कूल में पढ़ा होगा या फिर कॉलेज में साइन कॉस टैन थीटा हर एक उनकी पर्टिकुलर वैल्यूज होती है। तो मैं अगर 12 प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे तो साइन फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग ये कुछ साइंटिफिक वे में आपको फॉर्मूलेज ऐड करके मिल जाएंगे, ठीक है। सो जस्ट अभी के लिए इग्नोर कर दो साइन को, ठीक है, SIN जो फंक्शन है उसे, ठीक है। टाइम फंक्शन दोस्तों मैंने टाइम वाला फंक्शन पहले ही कवर कर रखा है, अगर आपने मिस कर रखी है वो वीडियो तो प्लीज़ आई वुड रेकमेंड गो एंड वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो वेर यू कैन सी दी नो टाइम इन डिटेल्ड, आर कैसे कैलकुलेट होता है, मिनट्स कैसे कैलकुलेट होता है, सेकेंड्स कैसे कैलकुलेट होता है इन MS Excel, ठीक है। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एनकोड यू आर एल में अगर मैं क्लिक करूँ यहाँ पे दोस्तों, तो मैं जो कुछ URL दे रहा हूँ यहाँ पे, सपोज मैं youtube.com/discovertalent143
ये मेरी यूआरएल है, मैं दे रहा हूँ इसे, ओके पे प्रेस कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये इनकोड कर देगा इसे, ठीक है, एज पर दी प्रोग्राम सेट बाय दी एक्सेल, ठीक है। तो ये कैसे इनकोड करेगा, दस कंप्लीट अपॉन देम, हम खाली इज इक्वल टू इनकोड यूआरएल करके हमने हमारी यूआरएल यहाँ पे डाल सकते हैं, सिंपल। एंड देन यहाँ पे कॉन्केटनेट करना है मुझे, तो दो चीज़ों को मुझे मर्ज करना है, तो मैं कॉन्केटनेट कर सकता हूँ। एंड देन वो कैसे करना है हमें, सपोज राहुल श्रमिक मिसल, ये कुछ नाम है फर्स्ट एंड लास्ट नेम, ठीक है, मुझे दोनों एक ही कॉलम में चाहिए। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो सेपरेट सेपरेट सा है, मुझे दोनों को एक ही कॉलम में करना है, तो मैं करूँगा इज इक्वल टू कॉन्केटनेट, अगेन आई एम टाइपिंग दैट इज इक्वल टू कॉन्केटिनेट, ठीक है, दिस इज द टेक्स्ट वन, कॉमा दूंगा मैं, डबल इनवर्टेड कॉमा, स्पेस डबल इनवर्टेड कॉमा, एंड देन अगेन कॉमा, दिस इज द लास्ट नेम, ठीक है। दोस्तों अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मैंने कॉमा के बाद में डबल इनवर्टेड कॉमा एंड देन स्पेस दे रखा था, वो क्यों दिया है, तो बीच में स्पेस आने के लिए। अगर मैं कॉन्केटनेट डायरेक्ट करूँ यहाँ पे तो ये कुछ डेटा मुझे इस तरह से शो करेगा, विच इज आई थिंक नॉट एक्सेप्टेबल फॉर अस, बट कंप्लीट अपॉन यू, आपको कैसे शो करना है वो, ठीक है। तो बीच में कुछ स्पेस नहीं है इसके, अगर आप देखोगे, और जो मैंने करा है ये इसमें स्पेस है, करेक्ट। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन द कॉन्केटनेशन, ठीक है। हाइपरलिंक करना है दोस्तों, यहाँ पे हाइपरलिंक पे क्लिक करने के बाद अगर मैं सपोज यहाँ पे मेरा कर्सर था, मैं कर्सर यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है, हाइपरलिंक पे क्लिक कर रहा हूँ, एंड देन यहाँ पे मैं यूआरएल ऐड कर देता हूँ मेरा youtube.com/discovertalent143, सब्सक्राइब अस, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ऑटोमेटिकली तो ये कुछ डेटा ऑटोमेटिकली वो पर्टिकुलर लिंक पे चला जाएगा, शायद से मैंने यूआरएल गलत से डाली हो दोस्तों, सो प्लीज डिसरिगार्ड दैट फॉर मी। एंड देन यहाँ पे दिस इज द बेसिक बेसिक फंक्शंस आई कैन से गाइस, सो अगेन इफ एनए, सपोज अगर मेरे पास, आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस, प्लीज Go and subscribe my channel and please recommend this channel with your friends, colleagues and family members. Thank you.